बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिशुनपुर में पंचायत से दुखी होकर एक विवाहिता के मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतिका के पति ने आरोप लगाया था कि उसका किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध है और वो हमेशा मोबाइल से बातचीत करते रहती है और उसके शादीशुदा जीवन को धोखा दे रही है। उसके पति ने इसी बात का फैसला करने के लिए पंचायत बैठाई और महिला उषा के अलावा उसके प्रेमी संत लाल को पंचायत में भी बुलाया गया। मृतिका के पति विजय ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की बात किए गए मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर पंचायत ने महिला उषा को अपने प्रेमी के साथ रहने का फरमान सुनाया और प्रेमी विजय ने उसके साथ शादी करने का निर्णय भी ले लिया। पंचायत का फैसला सुनते ही उषा दौड़कर अपने घर में चली गई और दरवाजे को बंद कर मिट्टी तेल डालकर आग लगा लिया। घर के छत से ऊपर धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने छत को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। जब तक महिला के शरीर में आग बुझाया जाता तब तक 90% से ज्यादा जल चुकी थी। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। 1/4/19 को रात करीबन 10:30 बजे ग्राम बिशुनपुर के कोटवार के माध्यम से पता चला कि उनके गांव में एक महिला मिट्टी तेल डालकर अपने शरीर में आग लगा ली है। की सूचना पर पुलिस बल के वहां पर रवाना हुए, घटनास्थल का जायजा लिए। तब पता उस समय मृतका की मृत्यु हो गई थी। तब घटनास्थल को जो है हम लोग सुरक्षा हेतु सीलबंद किए गए, एक कर्मचारी वहां पर तैनात किए। मामला की गंभीरता का देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई। दूसरे दिन मृतका के पति विजय कुमार थाने में रिपोर्ट लिखाया कि 19 को गांव में पंचायत बैठे हुए थे। दूसरे दिन उसका पति विजय कुमार थाने में रिपोर्ट लिखाया कि उनकी शादी 3 साल पहले हुई थी और उसे शक था कि मृतका और उसके पड़ोसी दोनों एक दूसरे से मोबाइल में बात करते हैं और दोनों के बीच गलत संबंध हो सकता है। तब वह गांव में एक पंचायत बुलाया था जिसमें मृतका के पिताजी, चाचा चाची एवं उनके गांव के कुछ लोग वहां उसमें बैठे हुए थे। तब उस पंचायत में मृतका का पति विजय कुमार दोनों के बातचीत की रिकॉर्डिंग मोबाइल पर गांव वाले को सुनाया। तब पंचायत में बैठे हुए लोग मृतका और उस व्यक्ति को पूछे तो दोनों ने एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। राजी होने के कुछ देर बाद ही मृतका उठी और अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर अपने ऊपर मिट्टी डालकर आग लगा दी। आग को देखकर छानी से कुछ लोग वहां पर दौड़े और उसको बचाने का प्रयास किए गए, उतना तक मृतका जलकर फौत कर गई थी। मामला की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बलरामपुर से एक महिला टीम भेजी गई और सूचना हमारे द्वारा दंडाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसमें दंडाधिकारी महोदय द्वारा आकर हम लोग महोदय और पुलिस टीम द्वारा मिलकर मृतका के सौ पंचनामा कार्रवाई किया गया। सौ पंचनामा बाद पीएम हेतु महिला मृतका के शव को सीएससी रामदूरगंज भेजा गया। सौ पश्चात पीएम पश्चात अग्रिम जांच कार्रवाई की जाती है।